हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल। एक क्लास रे आम फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। आपण जदि यार थ्योरी क्लास देखी ना फंडामेंटल राइट रो ताले आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। प्रतिदिन क्लास करवाई चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ता सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होने तेल डिस्क्रिप्शन को जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करवा फंडामेंटल राइट रो बा मौलिक अधिकार रो। हु हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। कहाँ पाखरे अधिकार अच्छे कि से आम फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर। सटिक आंसर हो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पाखरे अधिकार अच्छे कि से आम फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर। बेसिक फीचर को छाड़े अन्य समस्त को से अमेंडमेंट कर। पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्या को नहीं गठित, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अर्थात आम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 रे को राइट दी जाएगी। आर्टिकल 19 आम फंडामेंटल राइट अटे और कौन दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन। कौन दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन विषय लिखा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील सहित आम कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड नंबर पार्ट रे कौन लिखा जाएगी, फंडामेंटल राइट विषय लिखा जाएगी। तेणु यार सटिक आंसर कौन है, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड रे फंडामेंटल राइट विषय लिखा जाएगी। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट। आम आर्टिकल 19 रे स्पीच एवं एक्सप्रेशन विषय लिखा जाएगी। आर्टिकल 19 रे केतेटी राइट दी जाएगी, केतेटी राइट दी जाएगी, 6टी राइट। यार सटिक आंसर हो 6टी राइट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय कौन जगह लिखा है, आम कहार को छुआ अछुआ भेदभाव करें। आर्टिकल 17 लिखा है आम कहार सहित आम छुआ अछुआ भेदभाव करें। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय लिखा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। क्यों आर्टिकल को आमर कौन कहुए, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। क्यों क्यों आर्टिकल को कहुए, 14, 19 और 21 आर्टिकल को कौन कहुए, आमर फंडामेंटल राइट रो गोल्डन ट्रायंगल कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। आमर राइट टू एजुकेशन को जगह एड कर कोई जगह 21 ए आर्टिकल आम 21 ए आर्टिकल लिखा जाए आम राइट टू एजुकेशन विषय बा 6-14 वर्ष बालक मैंने शिक्षा ग्रहण करवाकर गोटे फंडामेंटल राइट विषय लिखा जाए। यह केवे एड कर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह एड कर 6-14 वर्ष बालक मैंने फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा नेबा फंडामेंटल राइट बोली एड कर 21 ए आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द कनसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट विषय लिखा जाए ताको कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रु निया जाए कोठार निया जाए अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन रु अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन निया जाए एवं सेठार ताको कोन कहजे बिल ऑफ राइट्स कहजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल। आम राइट टू प्रॉपर्टी विषय कोई जगह लिखा है, कोई जगह लिखा है 300 ए आर्टिकल। यह आमर गोटे फंडामेंटल राइट नुहे बर्तमान, यह गोटे आम राइट टू प्रॉपर्टी हूँ गोटे लीगल राइट अटे। यह 31 आर्टिकल था आम फंडामेंटल राइट भाव में 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 यह कौन कर रिमूव कर दिगला फंडामेंटल राइट रु लीगल राइट को 300 ए आर्टिकल बर्तमान अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सर्टिओरारी प्रोहिबिशन एंड क्यूरेंटो रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। यह विषय कौटार लिखा है, सर्टिओरारी प्रोहिबिशन एवं क्यूरेंटो विषय कौटार आम यह रीट अटे, तेनाली रीट विषय कौन जगह लिखा है, आर्टिकल 32 रे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बी आर अंबेडकर एज कॉल्ड व्हिच फंडामेंटल राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अंबेडकर क्या कौन कहते हार्ट और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते क्या कही आर्टिकल 32 और 32 रे आमर कौन लिखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह कौन कही बी आर अंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन हृदय और आत्मा कही कहीं आम कहीं मैं फंडामेंटल राइट रायोलेसन करते आर्टिकल 32 अनुसार आम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाए
केस करपरिया एवं सुप्रीमकोर्ट से पांच प्रकार रिट जारी करें आर्टिकल 32 को कौन कहते हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड फोर्स लेबर किए यह रोकी थे कौटा को ह्यूमन ट्राफिकिंग मनुष्य को आम किचा करें सहित फोर्सफुली आम कार्य करना जदि कार्य करूचे ताकि पैसा देवाई पड़ो यह विषय कौटार लिखा जाए किए रोकी थे ह्यूमन ट्राफिकिंग एवं फोर्स लेबर को किए रोकी थे कौ आर्टिकल आर्टिकल 23 लिखा जाए प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एवं ह्यूमन ट्राफिकिंग एवं फोर्स लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रिभेनसन डिटेक्शन मान कौन अटे प्रिभेन्टिव डिटेक्शन मान कौन अटे विदाउट ट्रायल तेणु यार सठिक आंसर कौन है डिटेक्शन विदाउट इंट्रोगेशन विदाउट ट्रायल बिना ट्रायल आम कहारे को ना कौन कहे प्रिभेन्टिव डिटेक्शन कहुए आम जब कोर्ट को ना 24 घंटा मध्य पुलिस दायित्व कौन अटे से जज पाखे पेश कर मजरिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 14 नंबर क्वेश्चन हुई स्टेटमेंट इज करेक्ट क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट अटे प्रथम स्टेटमेंट कौन दिखाई आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी कन्वेक्ट फॉर एनी ऑफिस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन एट द एक्ट चेंजेड एज ए ऑफेंस माने कौन अटे आर्टिकल 20 आम लिखाई कि आम जदि कौन व्यक्ति भूल क्राइम कर लॉ चेंज होगा सहित तार क्राइम टी चेंज हेबो नाही अर्थात मनेकर ताको 10 वर्ष जिते बिले दंड करा से समय भूल करवा समय ताको 10 वर्ष दंड दि जाए 10 वर्ष ही दंड दि जाव मनेकर किछि दिन पर रूल चेंज है जे जे भूल कर मर्डर कर फासी दिजाव फासी दिजा ना से 10 वर्ष दंड दि जाव यह विषय 20 लिखाई सठिक अटे द आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law यह मध्ये सठिक अटे अर्थात केहि मध्ये कोन करबे सुसाइड करबे नै बा लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी रु से जीवे नै यह विषय लिखा जाय छै तनु 21 रे तनु बहुत करेक्ट अटे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पई केउटा इंपोर्टेंट अटे राइट टू पर्सनल लिबर्टी कौटा राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंपोर्टेंट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यह मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज नॉट करेक्ट क्योंटा करेक्ट ना भूल अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ को जगह लिखा जाए आर्टिकल 14 लिखा जाए 15 नुह इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगे समस्ते सामान तेणु प्रथमटा ही भूल दिखाई एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 लिखा जाए इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 लिखा जाए एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स 18 लिखा जाए प्रथमटा है यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 17 नंबर क्वेश्चन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल कल्चरल एवं एजुकेशन राइट को कौ आर्टिकल लिखा जामर 29 एवं 30 रे कल्चरल एवं एजुकेशन राइट को जगह लिखा जाए 29 एवं 30 रे लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन क्योंटा गोटे आम फंडामेंटल राइट नुहे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अटे राइट टू इक्वालिटी अटे राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी अटे राइट टू प्रॉपर्टी नुहे आम यह गोटे लीगल राइट अटे 300 ए आर्टिकल यहाँ एड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू रिट किए रिट इश्यू करें ओनली सुप्रीम कोर्ट ओनली हाईकोर्ट बोथ तेणु बोथ करें रिट हाईकोर्ट को आर्टिकल अनुसार करें हाईकोर्ट 224 आर्टिकल सुप्रीमकोर्ट 32 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास दैट पास द रेजोल्यूशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आमर कराची सेशन होता एथेरे कौन पास कर आमर फंडामेंटल राइट भाव में विषय डिमांड कर पास कर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट आमर फंडामेंटल राइट अनुसार क्योंटा सठिक अटे
हमारा रिजिड अटे फंडामेंटल राइट, नॉन जस्टिसेबल जस्टिसेबल अटे जस्टिसेबल अटे, यार सठिक आंसर कौन हम जस्टिसेबल राइट अटे, फंडामेंटल राइट हूँ जस्टिसेबल राइट, तेनालीर सठिक आंसर कौन हम सी हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अंबेडकर, क्यों आर्टिकल कौन कहते बी आर अंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते क्या कहते आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को कहते हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते बी आर अंबेडकर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, केते प्रकार आम फंडामेंटल राइट अच्छे आगर थी आम सतट बर्तमान के छटी, तेणु यार सठिक आंसर कौन हम छटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड एज द फंडामेंटल राइट, को अमेंडमेंट अनुसार आम राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दी फंडामेंटल राइट रु, क्या अनुसार 44 अमेंडमेंट एक्ट के 1978 मसीह होता, यह अनुसार राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दी फंडामेंटल राइट रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर नॉट प्रोवाइडेड टू फॉरेनर, अर्थात यह मध्य क्यों आर्टिकल को फॉरेनर को प्रोवाइड करा जाए ना, 20 करा जाए 21 22 मध्य 16 नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन फैक्ट्री एंड माइंस, आम 14 वर्षर कम वर्षर बालक मान को कौन से फैक्ट्री बा माइंस रे काम कराई पारिबा नाही, या विषय को जगह लिखा जाय छी आर्टिकल 24 रे लिखा जाय छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 17 एवं 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कौन प्रोवाइड करते आर्टिकल 17 एवं 18 रिलीजियस इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी ना सोशल इक्वालिटी, कौन है सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऑफ द वेरियस ग्राउंड्स बिलो व्हिच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एथरे कोटा को दिया जाने आर्टिकल 15 रे रेस कास्ट लैंग्वेज प्लेस ऑफ बर्थ, कोटा दिया जाने लैंग्वेज लैंग्वेज को दिया जाने आम कह रेद भेदभाव कर पारा ना कास्ट कलर जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ किंतु लैंग्वेज को दिया जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, आमर कॉन्स्टिट्यूशन 29 रे कौन लिखा है आर्टिकल 29 आर्टिकल रे कौन लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मानक आम कौन करवा अल्पसंख्यक संरक्षण करवा, क्यों मानक माइनॉरिटीज कह जाए जगह आमर हिंदू को छाड़ी अन्य समस्त को माइनॉरिटीज कह जाए जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, क्या मैग्ना कार्टा कहुए आम फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहुए तेणु पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 19 रु 22 डील्स विथ आम आर्टिकल 19 रु 22 कौन लिखा जाए आर्टिकल 19 रु 22 मध्य कौन लिखा जामर राइट टू फ्रीडम विषय लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन विषय कौ जगह लिखा जामर 23 और 24 आर्टिकल कौन लिखा जाए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन विषय लिखा जाए। टाइटल्स अदर नेम अदर देन मिलिटरी एंड एकेडमिक आर एबोलिश अंडर आर्टिकल, अर्थात मिलिटरी एवं एकेडमिक अर्थात एजुकेशनल एवं मिलिटरी को छाड़ी अन्य समस्त को टाइटल को एबोलिश करा जाए को आर्टिकल अनुसार 18 आर्टिकल अनुसार कौन लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एथेरे मिलिटरी एवं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज नॉट बीन लेट डाउन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आमर आर्टिकल 19 रे कौन लिखा है स्पीच स्पीच एवं राइट टू स्पीच एवं एक्सप्रेशन विषय लिखा जाए आर्टिकल 19 रे एवं एथेरे 6 राइट दिया जाए राइट टू स्पीच एवं एक्सप्रेशन रे बा आर्टिकल 19 रे 19 रो पार्ट 1 रे प्रेस को मध्य फ्रीडम दिया जाए किंतु कोटा नुहे एथेरे आसी नथाय कोटा नुहे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन अटे किंतु फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यह नुहे आमर राइट टू फ्रीडम अंडर आसे ना बा 19 रे नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राइट टू एजुकेशन रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन को जगह लिखा जाए
आमर आर्टिकल 21A रे आमर राइट टू एजुकेशन विषय लिखा है 6-14 वर्ष बालक मैंने कौन करेंगे फ्री एवं कंपलसरी शिक्षा नहीं पारे से विषय लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज पीएम ऑफ इंडिया व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड किए थे प्रधानमंत्री जितेबले आम राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जाता के 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मसीह यही समय देश किए थे पीएम किए थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंड आमर नेशनल इमरजेंसी समय क्यों आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड रही थे आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली आम इमरजेंसी समय कौन होते सस्पेंड हो जाए एवं 20 एवं 21 केवे मध्ये सस्पेंड होए नहीं कहीं ना ताम एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट अटे। आपन एबे पर्यंत जदि लाइक करिना तले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करिना तले ता मध्ये करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं आपन बुझी पारछन नै ता मध्ये कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार थ्योरी क्लास मध्ये कराई छी थ्योरी क्लास मध्ये कराई छी थ्योरी क्लास को मध्ये आपन देखि पारबे सेतरे डिटेल्स डिस्कशन कराई छी समस्त आर्टिकल विषय रे केमिति तार डिटेल्स डिस्कशन कराई छी। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर राइट टू प्राइवेसी के एड कर 2018 मसीह कौन होता गोटे आधार कार्ड पर केस कर राइट टू प्राइवेसी को एड कर समस्त क्षेत्र में कौन कर आधार कार्ड मगा जाता तेणु यह राइट टू प्राइवेसी एड कर फंडामेंटल राइट रे को आर्टिकल एड कर आर्टिकल 21 एड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट आम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल फंडामेंटल राइट विषय लिखा है कोई जगह 12-35 आम 12-35 आर्टिकल आम फंडामेंटल राइट विषय लिखा है पार्ट थर्ड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दे आर आवर डैश फंडामेंटल राइट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात आगर के फंडामेंटल राइट थी 7 आगर 7 बर्तमान 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड बाय आम देश में जो फंडामेंटल राइट अच्छी ताक इंस्पायर होकर आसी कौटार को यूएसए अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को इंस्पायर्ड होकर आम देश में कौन कर फंडामेंटल राइट को रखा जाइए तेणु यार सठिक आंसर कौन है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स मैंने अमेरिकार फंडामेंटल राइट को कौन कह जाए बिल ऑफ राइट्स तेणु यार सठिक आंसर कौन है बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आमर को आर्टिकल कौन लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्टेट रो डेफिनेशन दिया जाइछि कोठारे आर्टिकल 12 रे 12 रे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू को जगह लिखा है फंडामेंटल राइट जदि कहीं वायलेशन करते आम कौन करवा आम सुप्रीम कोर्ट पाखे अधिकार अच्छे कि से ही लॉ को इनवैलिड घोषणा कर पार रिमूव कर पार यहाँ आम कौन कहते जुडिशियल रिव्यू कौटे लिखाई आर्टिकल 13 पावर दि जाएगी कौन सी लॉ जदि आम देश में तैयारी कराए आम स्टेट लेजिस्लेचर हो पार्लियामेंट रे जदि आम फंडामेंटल राइट को जो वायलेशन करते सुप्रीम कोर्ट पाखे अधिकार अच्छे कि से कौन कर रिमूव कर दे पार से लॉ टी आम देश में लगे ना आर्टिकल 13 अनुसार अंडर व्हिच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट को आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते आर्टिकल 32 अनुसार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कितने प्रकार 5 प्रकार कहीं मध्य फंडामेंटल राइट वायलेशन करती आर्टिकल 32 अनुसार कौन करते सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर पारे 5 प्रकार कौन कहते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते बी आर अंबेदकर और हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते फ्रीडम ऑफ प्रेस कम अंडर व्हिच आर्टिकल आम प्रेस को फ्रीडम दिखाई कोई जगह दिखाई स्पीच और एक्सप्रेसन दी प्रेस को जगह आर्टिकल 19 रो ए पार्ट्रे 6 राइट अच्छी से ए पार्ट्रे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच एग्जामटेड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ आम इक्वालिटी बिफोर लॉ रु क्या एग्जाम दि जाएगी अर्थात क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ लगे ना एक्सेप्ट कर प्रेसिडेंट और गवर्नर को रूल लगे ना से मर्डर करते सेम पनिशमेंट दिज्वना प्रथम जो पदवी थी हटावा पड़ी थे तापर तांकठारे से रूल्स टी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एमेंडमेंट प्रोसीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आम एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट विषय लिखा है कौटे 368 368 आर्टिकल आम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट विषय किए किए कर पार्लियामेंट रे अधिकार अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट कर
और बेसिक फीचर को छाड़ी अन्य को एमेंडमेंट कर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आर्टिकल 16 डील्स विथ। आर्टिकल 16 रे कौन लिखा जाए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे समस्त को कौन करवा इक्वालिटी प्रदान करवा। जदि इक्वालिटी नहीं तो रिजर्वेशन देखिए आम इक्वालिटी करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच आर्टिकल मेंशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौ आर्टिकल आम लिखा है माइनॉरिटीज मैंने कौन करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तैयारी करेंगे। कौटार लिखा जाए आर्टिकल 30 रे लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट विषय कौ आर्टिकल लिखा जाए कौ आर्टिकल कौ आर्टिकल पर्यंत कौ पार्ट्रे कौ जगार निया विषय आप जहाँ जानते फंडामेंटल राइट रो ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। फंडामेंटल राइट विषय जहाँ जानते ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। एवं पर्यंत जदि लाइक करें आम चैनल को वीडियो को लाइक करें तो लाइक करूँ शेयर करें आपण फ्रेंड्स सहित शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करूँ। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना है डिस्क्रिप्शन को जॉइन हो पारे और अन्य क्लास देखापी आप प्लेलिस्ट को जे देखिपारे थ्योरी क्लास कर फंडामेंटल राइट रहा देखिपर प्लेलिस्ट को जे आम चैनल इंडियन पॉलिटी सेपरेट प्लेलिस्ट कर दिया देखिपारे तेनाली थैंक यू।